छतरपुर एमपी के बमनौरा थाना क्षेत्र में बीते रोज जमीनी विवाद को लेकर एक किसान नथु कुशवाहा के साथ बेरहमी के साथ इतनी मारपीट की कि किसान को इलाज कराने ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। सुबह होते ही निर्मम हत्या को लेकर परिजनों ने हीरापुर तिराहा टीकमगढ़ सागर सड़क पर शव रख कर चक्का जाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार बमनौरा गांव के तालाब पार मोहल्ले में रहने वाले 45 वर्षीय नथु कुशवाहा का लंबे समय से गांव के परसू यादव से जमीन पर कब्जा को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार सुबह परसू यादव अपने नजदीकी रिश्तेदार अनंत राम यादव को लेकर उसके घर गया, लेकिन किसान नथु घर से पहले ही मोहल्ले में आरोपियों को मिल गया। आरोपियों ने उसे पकड़ा और दुपहिया गाड़ी पर जबरन बैठा कर ले गए। मामले की सूचना मोहल्ले वालों ने किसान के परिजनों को दी, जिस पर नथु की पत्नी ने थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। बताया जाता है कि गांव में 2.5 एकड़ जमीन है। पटवारी रिकॉर्ड में ये जमीन सरकारी दर्ज है, लेकिन कई सालों से नथु कुशवाहा का कब्जा है। आरोपी परसू यादव इस जमीन को छुड़ाना चाहता था, इस कारण के चलते दोनों का विवाद चल रहा था। बीते दिन आरोपियों ने किसान नथु कुशवाहा की बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सुबह होते ही निर्मम हत्या को लेकर परिजनों ने टीकमगढ़ सागर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। वहीं परिजनों द्वारा मांग की गई कि आरोपियों के मकान गिराए जाएं, इसी मांग को लेकर वे अड़े रहे। अभी आज ही उनके जो हत्या का मामला हुआ है, इसमें चक्का जाम किया था परिजनों ने। उनके द्वारा यह शिकायत बताई गई है कि उनका शासकीय भूमि को लेकर, कब्जे को लेकर विवाद है, जिसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की मांग है मैडम कि शासकीय भूमि में अतिक्रमण है, क्या वो हटाया जाएगा? शासकीय भूमि में अतिक्रमण जो भी होंगे विधिवत कार्रवाई करते हुए हटाया जाएगा। थैंक यू। रोड को जाम करना जिसमें बहुत से यात्री परेशान होते हैं, संज्ञेय अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक है, आक्रोश है, आक्रोश के तहत उन्होंने यदि इस बात को किया है, नेचुरल है कि घर का कोई आदमी खत्म हुआ है और बहुत आक्रोशित होता है। बट हमारा आपके माध्यम से कहना चाहिए कि इस टाइप से चक्का जाम की घटना या किसी प्रकार के उग्र आंदोलन के लिए थोड़ा सा लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। अच्छा, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।